हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो कर्नल सुशील सिंघानिया। तूने कश्मीर में जितने भी आर्मी तैनात कर रखा है उसे वापस बुला ले, वरना तुम्हारे हिंदुस्तान की इतने चीतरे उड़ाऊंगा कि तुम लोगों की रोह कांप उठेगी। आर्मी की तो बात छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान का एक जिला तुम्हारे देश में घुस गया तो तुम्हारे देश का माँ बहने कर देगा। बहुत जुबान चलने लगा है तुम्हारा, अभी टेलर दिखाई देता हूँ, जरा टीवी तो ऑन करो। अभी अभी सीतामढ़ी जिला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन यह बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया है यह जानकारी अभी हासिल नहीं हो पाई है। इस भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट के कारण कई लोग मौत का शिकार हो गए हैं। इस घटना पर सरकार क्या फैसला लेती है यह जानने के लिए आप लोग बने रहिए परसों तक न्यूज के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है कर्नल, मुझे ये भी पता है कि तू इस वक्त कहाँ है। मैं अभी तीन तक गिनती गिनूंगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। एक, दो, तीन। ले तू ही बात कर, ले माफी चाहते हैं आपका। क्यों कर्नल, निकल गए यावा? अभी तो हमने तुम्हारे मुल्क के एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा किया है, इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। भारत माता की जय। नवा खराम, खाता अपने मुल्क का है और गाता हिंदुस्तान का है। अब तुम्हारा गलती नहीं होगा का। चादर जितना बड़ा हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो हिंदुस्तान को जहन्नुम बनते देर नहीं लगेगी। ठीक है, मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए, मैं सरकार से बात करके बताता हूँ। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। जय हिंद सर। सुनो, टाइगर बटालियन में फोन लगाओ और जवान करण भारती और प्यारे सिंह को बोलो कर्नल साहब ने बुलाया है अभी का अभी। ठीक है? यस सर। पता नहीं अभी वो दोनों क्या कर रहा होगा। यार हम लोग कितने लक्की हैं, दोनों का एक साथ छुट्टी लग गया गांव जाने के लिए। हाँ यार, और हम लोग का घर भी एक ही गाँव में है। हेलो, क्या हुआ? कर्नल साहब ने हम दोनों को बुलाया है। कर्नल साहब ने? और इस वक्त? हाँ भाईजान, आप एक बार हुकुम तो फरमाइए, हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देंगे। कुछ दिन और रुक जाओ छोटे, इंशाअल्लाह ये ख्वाब तुम्हारा जरूर पूरा होगा। भाईजान, जब हम हिंदुस्तानी कुत्तों को मारेंगे और वो तरतेगा तो कितना मजा आएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम दोनों से मुझे एक जरूरी बात करनी है। सर, तुम दोनों को 10 दिन के लिए एक मिशन पे जाना है। लेकिन सर, कल से हम लोग की छुट्टी लगी है, हम लोग गांव जा रहे हैं। वो छुट्टी मैंने कैंसिल करा दिया है दोनों की। लेकिन सर, 1 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, मेरा चांद मेरा रास्ता देख रही होगी। हाँ सर, और मेरी प्यारी गुड़िया रानी इतनी क्यूट है ना कि आप देखेंगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा। देखो, हम लोगों को परिवार से ज़्यादा देश के बारे में सोचना होता है, और किसी भी फौजी को ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार जिसमें भारत माता की सेवा करने का मौका मिले। अगर तुम दोनों को मौका नहीं चाहिए तो तुम लोग जा सकते। चल चलते हैं, हम लोग तैयार हैं सर।
तो ठीक है, कल से तुम दोनों ट्रेनिंग के लिए आ जाना। मैं खुद तुम दोनों को 5 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन सर, मिशन से आते ही मैं अपने घर जाऊंगा, माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और अपनी जान से शादी करूंगा। और हाँ सर, मैं भी अपनी बिटिया रानी को जी भर के देखूंगा। कहाँ रह गया डफर सब? नहीं जाना था तो पहले बता देता। आओ मेरे शेर आओ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जाओ और मिशन की हर अपडेट देते रहना। सर बहुत कर लिया हमने इंतजार, ये हिंदुस्तान की हुकूमत और कर्नल हमें बेवकूफ बना रहा है।
आज से और अभी से तबाही शुरू करो।
गीली चावल में दूध क्या गिरी, तुम भिखारी खीर समझ बैठे, और चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्या लगा दिया, कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। लेकिन सर मिशन से आते ही मैं अपने घर जाऊंगा, माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और अपनी जान से शादी करूंगा। वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। और हाँ सर, मैं भी अपनी बिटिया रानी को जी भर के देखूंगा। मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने।